नमस्कार जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत का जो चंद्रयान था 1, 2 और 3 इसके बारे में हम आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। जो भी बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे प्रश्नों का जो लेटेस्ट प्रश्न है करंट जीके है उसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम आपको चंद्रयान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 मिशन है जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 यानी 14 जुलाई अभी 2023 चल रहा है तो 14 जुलाई को लॉन्च किया था 2023 को चंद्रयान 3 मिशन। आपका दूसरा प्रश्न है, चंद्रयान 3 किसके द्वारा तैयार किया गया? चंद्रयान 3 तैयार किया गया इसरो के द्वारा। चंद्रयान 3 है जो तैयार किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो का मतलब है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो इसरो है। इसरो है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। तो चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा तैयार किया गया। आपका तीसरा प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। आपका चौथा प्रश्न है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरा था? चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था चंद्रयान 3 जो ये भारत का पहला चंद्रयान था विश्व का, जो भारत देश का है वो प्रथम स्थान है भारत का इसमें कि चंद्रयान 3 जो दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था। आपका पांचवा प्रश्न है, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को। आपका छठा प्रश्न है, चंद्रयान 3 कितने बजे लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 14 जुलाई को कितने बजे लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 2:35 पर, दोपहर के 2:35 पर लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 14 जुलाई को दोपहर के। और आपका सातवां प्रश्न है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कितने बजे लैंड हुआ? चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था 6:04 पर,
शाम को 6:04 पर 23 अगस्त को लैंड हुआ था चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर। आपका 8वां प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत है पहला देश है भारत जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। तो भारत का स्थान है पहले नंबर पर है भारत, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वालों में से देश में से पहला स्थान है भारत देश का। आपका 9वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया LVM3M4 जो रॉकेट था उसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ये रॉकेट सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा रॉकेट है जिसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था LVM3M4 से। आपका 10वां प्रश्न है, LVM3M4 रॉकेट का पहले क्या नाम था? LVM3 और M4 रॉकेट का पहले क्या नाम था? पहले क्या नाम था इसका? इसका नाम था पहले GSLV MK3 था इसका नाम। LVM3M4 रॉकेट का पहले नाम था GSLV MK3। आपका 11वां प्रश्न है, LVM3 का पूरा नाम क्या? LVM3 का पूरा नाम क्या है? LVM3 का पूरा नाम क्या है? LVM3 का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है LVM3 का पूरा नाम। आपका 12वां प्रश्न है, GSLV MK3 का पूरा नाम क्या है? GSLV MK3 का पूरा नाम क्या है? GSLV MK3 का पूरा नाम है जियोसिनक्रेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जियोसिनक्रेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV MK का पूरा नाम है। आपका 13वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया? चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रयान 3 का नेतृत्व किया था श्री ऋतु करीधल ने किया था चंद्रयान 3 का नेतृत्व । आपका 14वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक हैं मोहन कुमार। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक हैं मोहन कुमार। मोहन कुमार जो चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक हैं। आपका 15वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा लगा? चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल खर्चा कितना लगा? चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल खर्चा लगा 615 करोड़ रुपए लगा था चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में खर्चा लगा 615 करोड़ रुपए। आपका 16वां प्रश्न है, चंद्रयान वन मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा लगा? चंद्रयान वन मिशन लॉन्च करने में कुल खर्चा लगा 386 करोड़ रुपए लगे थे चंद्रयान वन को लॉन्च करने में। जो चंद्रयान वन 2008 में लॉन्च किया था तो उस समय उसके जो खर्चा लगा था वो 386 करोड़ रुपए लगे थे। आपका 17वां प्रश्न है,
चंद्रयान टू मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा, चंद्रयान टू को लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा लगा, चंद्रयान टू को लॉन्च करने में कुल खर्चा लगा 978 करोड़ रुपये। चंद्रयान टू मिशन लॉन्च करने में खर्चा लगा 978 करोड़ रुपये। चंद्रयान टू जो मिशन वो लॉन्च हुआ था 2019 में, तो उस समय उसका खर्चा लगा था 978 करोड़ रुपये। आपका 18वां प्रश्न है, चंद्रयान थ्री भारत का कौन सा मिशन है, चंद्रयान थ्री भारत का कौन सा मिशन है, चंद्रयान थ्री भारत का मिशन है तीसरा, चंद्रयान थ्री भारत का मिशन है तीसरा मिशन है, चंद्रयान थ्री भारत का तीसरा मिशन है। आपका 19वां प्रश्न है, पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ, पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था, पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था। आपका 20वां प्रश्न है, दूसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान मिशन टू को कब लॉन्च किया, दूसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, दूसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019 को। आपका 21वां प्रश्न है, चंद्रयान थ्री मिशन की थीम क्या, चंद्रयान थ्री मिशन की थीम क्या है, चंद्रयान थ्री मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून, चंद्रयान थ्री मिशन की थीम है थी साइंस ऑफ द मून, कि चांद पर विज्ञान, साइंस ऑफ द मून चंद्रयान थ्री मिशन की थीम थी। आपका 22वां प्रश्न है, चंद्रयान थ्री मिशन लैंडर का क्या नाम है, चंद्रयान थ्री मिशन लैंडर का क्या नाम है, चंद्रयान थ्री मिशन में लैंडर का नाम है विक्रम, चंद्रयान थ्री मिशन में लैंडर का नाम है विक्रम। आपका 23वां प्रश्न है, चंद्रयान थ्री मिशन रोवर का क्या नाम है, चंद्रयान थ्री मिशन रोवर का क्या नाम है, चंद्रयान थ्री मिशन में रोवर का नाम है प्रज्ञान, रोवर का नाम है प्रज्ञान, चंद्रयान थ्री मिशन में रोवर का नाम है प्रज्ञान। आपका 24वां प्रश्न है, रोवर में कितने पहिए हैं, रोवर में कितने पहिए हैं, रोवर में पहिए हैं 6, रोवर में 6 पहिए हैं। आपका 25वां प्रश्न है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया का क्या नाम है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया का क्या नाम है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया है रितु करिधल, रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रितु करिधल को। आपका 26वां प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं के सिवन, के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है के सिवन को। आपका 27वां प्रश्न है, मून मैन ऑफ इंडिया कौन है, मून मैन ऑफ इंडिया कौन है, मून मैन ऑफ इंडिया है मायल स्वामी अनादुरई, मायल स्वामी अनादुरई है मून मैन ऑफ इंडिया, मायल स्वामी अनादुरई। आपका 28वां प्रश्न है, चंद्रयान थ्री मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, चंद्रयान थ्री मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, चंद्रयान थ्री मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीर मधुवेल, पी वीर मधुवेल थे चंद्रयान थ्री के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। आपका 29वां प्रश्न है, चंद्रयान वन के परियोजना निदेशक कौन थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चंद्रयान वन के परियोजना निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, चंद्रयान वन के परियोजना निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे
मायल स्वामी अन्नादुरई, मायल स्वामी अन्नादुरई थे चंद्रयान वन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। 30वां प्रश्न है, चंद्रयान टू के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? चंद्रयान टू के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? चंद्रयान टू के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे एस वनिता। चंद्रयान टू के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे एस वनिता। आपका 31वां प्रश्न है, मिशन चंद्रयान थ्री किसने लॉन्च किया? मिशन चंद्रयान थ्री किसने लॉन्च किया? मिशन चंद्रयान थ्री लॉन्च किया था इसरो भारत ने। मिशन चंद्रयान थ्री लॉन्च किया था इसरो भारत में, इसरो ने लॉन्च किया था मिशन चंद्रयान थ्री को। आपका 32वां प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 33वां प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। आपका 34वां प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। आपका 35वां प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। आपका 36वां प्रश्न है, चंद्रयान थ्री के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? चंद्रयान थ्री लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन है 2023 में? चंद्रयान थ्री के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ है, जो चंद्रयान थ्री लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष हैं 2023 में। आपका 37वां प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसने किया? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर। आपका 38वां प्रश्न है, चंद्रयान थ्री के प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? चंद्रयान थ्री के प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है CE20 क्रायोजेनिक इंजन है चंद्रयान थ्री के प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम। आपका 39वां प्रश्न है, चंद्रयान थ्री में कितने सक्षम इंजन हैं? चंद्रयान थ्री में सक्षम इंजन है चार। आपका 40वां प्रश्न है, चंद्रयान वन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान वन के समय इसरो के अध्यक्ष थे श्री माधवन थे। चंद्रयान वन जो मिशन में इसरो के अध्यक्ष थे, चंद्रयान वन लॉन्च किया था, इसरो के अध्यक्ष थे श्री माधवन। आपका 41वां प्रश्न है, भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 में। भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 में।
आपका 42वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय भारत के पीएम किस देश की यात्रा पर थे? जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? चंद्रयान 3 लॉन्च के समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो थे फ्रांस में, फ्रांस देश की यात्रा पर थे जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई को, तो उस दिन जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो फ्रांस की देश की यात्रा पर थे, फ्रांस गए हुए थे। आपका 43वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर के समय, जब चंद्रयान 3 लैंड के समय भारत के पीएम किस देश की यात्रा पर थे? चंद्रयान 3 के लैंड के समय भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? चंद्रयान 3 लैंड के समय भारत के प्रधानमंत्री थे दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका देश की यात्रा पर थे जब चंद्रयान लैंड हुआ 23 अगस्त को। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वे दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। आपका 44वां प्रश्न है, भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है? भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है? भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। उनका 45वां प्रश्न है, भारत से पहले कौन कौन से देश चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं? भारत से पहले कौन कौन से देश चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं? भारत से पहले 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन। भारत से पहले 3 जो देश हैं वो सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चीन। फिर चौथे नंबर पर है भारत। 46वां प्रश्न है आपका, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। आपका 47वां प्रश्न है, चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग के समय पीएम नरेंद्र मोदी कौन से सम्मेलन में गए थे? चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग के समय नरेंद्र मोदी कौन से सम्मेलन में गए हुए थे? सम्मेलन में गए हुए थे ब्रिक्स सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन में गए हुए थे। आपका 48वां प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास है 3475 किलोमीटर, 3475 किलोमीटर है चंद्रमा का व्यास। आपका 49वां प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 384,400 किलोमीटर, 384,400 किलोमीटर है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। आपका 50वां प्रश्न है, चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर कितने दिन काम करेगा? चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर कितने दिन काम करेगा? चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर है जो 14 दिन काम करेगा, चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर 14 दिन काम करेगा। आपका 51वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में कितना समय लगा? चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में कितना समय लगा? चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 41 दिन का समय लगा। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 41 दिन का समय लगा। आपका 52वां प्रश्न है, प्रज्ञान रोवर का वजन कितना है? प्रज्ञान रोवर का वजन कितना है? प्रज्ञान रोवर का वजन है 26 किलो, प्रज्ञान रोवर का वजन है 26 किलो।
आपका 53वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 के साथ कितने पेलोड भेजे गए? चंद्रयान 3 के साथ कितने पेलोड भेजे गए? चंद्रयान 3 के साथ 6 पेलोड भेजे गए। चंद्रयान 3 के साथ 6 पेलोड भेजे गए। आपका 53वां प्रश्न है, 2023 तक चांद की सतह पर कितने लोगों ने कदम रखा? 2023 तक चांद की सतह पर कितने लोगों ने कदम रखा है? तो कदम रखा है 12 लोगों ने। 12 लोग चांद पर जा चुके हैं 2023 तक, 12 लोग। आपका 54वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 से पहले रूस का कौन सा मिशन फेल हुआ था? चंद्रयान 3 से पहले रूस देश का कौन सा मिशन फेल हो गया था? चंद्रयान 3 से पहले रूस का लूना 25 मिशन फेल हो गया था। रूस का जो चंद्रयान 3 से पहले लॉन्च हुआ था, लूना 25 फेल हो गया रूस देश का। आपका 55वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस ऑर्बिटर की सहायता लेगा? चंद्रयान 3 किस ऑर्बिटर की सहायता लेगा? चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की सहायता लेगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की सहायता लेगा। आपका 56वां प्रश्न है, भारत के LVM3 रॉकेट का वजन कितना है? भारत के LVM3 रॉकेट का वजन कितना है? भारत के LVM3 रॉकेट का वजन है 640 टन। सबसे भारी रॉकेट है 640 टन है, सबसे भारी रॉकेट है। भारत के LVM3 रॉकेट का वजन 640 टन है। आपका 57वां प्रश्न है, LVM3 रॉकेट की लंबाई कितनी है? LVM3 रॉकेट की लंबाई कितनी है? LVM3 रॉकेट की लंबाई है 43.5 मीटर। 43.5 मीटर है LVM3 रॉकेट की लंबाई। आपका 58वां प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग था चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। आपका 59वां प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी कहते हैं चंद्रमा के अध्ययन को। सेलेनोलॉजी कहते हैं चंद्रमा के अध्ययन को। आपका 60वां प्रश्न है, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये चंद्रयान 3, 2 और 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जनरल नॉलेज के प्रश्नों की, करंट जीके की, भारत का जीके, विश्व का जीके आदि की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।